Hey, good morning and namaste guys. आज मैं वैक्सीन लगाने जा रहा हूँ, वो चाइनीज वाला वैक्सीन, द कोरोना वायरस वाला वैक्सीन, उसका नाम है कोवैक्सीन। हमने यहाँ पे एक लोकल हॉस्पिटल पे बुक किया है, टाइमिंग है एक वीचैट पे, उन लोगों का एक ऐप है, थ्रू द ऐप हमको बुक करनी पड़ती है। और हमारा टाइमिंग आज मिला है हमको मॉर्निंग 11 to 11:30। अभी टाइम ऑलमोस्ट 10:45 हो गया और यहाँ से मेरे घर से हॉस्पिटल अबाउट 10 मिनट्स ड्राइव है, तो वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा वहाँ के हॉस्पिटल्स कैसा। इट्स नॉट अ मेन हॉस्पिटल, इट्स वन ऑफ द नॉर्मल हॉस्पिटल इन शेंजन। सो वहाँ का प्रोसीजर क्या है और मतलब आपको डिटेल में आपको बता देता हूँ। ओके लेट्स गो। ओके, थोड़ा आज मौसम बहुत बारिश हो रहा है शेंजन में, और फॉरेनर्स के लिए हमको डेसिग्नेटेड हॉस्पिटल जानी पड़ती है, और लोकल के लिए कोई भी कम्युनिटी हॉस्पिटल या कोई भी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स है, बहुत सारे सेंटर्स हैं यहाँ पे, तो इसीलिए मैं मुझको एक स्पेशल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मतलब वो नॉर्मल हॉस्पिटल है, दैट इज नॉट अ मेन हॉस्पिटल इन शेंजन। तो एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे हमारा कंपनी ऑलरेडी एनकरेज कर रहे हैं सबको वैक्सीन लगाने के लिए, इसीलिए मैं आज मुझको बुकिंग मिला है। मैं लगभग 2-3 दिन से मैं ट्राई कर रहा था और मेरा बारी आज आ गई है अभी। तो चलो दोस्तों, वहां पे जाके अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके सो यही है हॉस्पिटल, यही था हॉस्पिटल। अभी क्या है, पार्किंग फुल है वहां पे, तो अभी मुझे यहाँ पे बाहर कोई पार्किंग ढूंढकर वापस आनी पड़ेगी यहाँ पे। तो चलो दोस्तों, लेट मी फाइंड अ पार्किंग, गुड पार्किंग प्लेस। सो एक्चुअली आज मेरे साथ गौरी भी है, क्योंकि मुझे थोड़ा हेल्प होगी वहाँ पे डॉक्टर से बात करने के लिए, क्योंकि वो मेडिकल वाला टर्म्स वगैरह मुझे वो वाला चाइनीज नहीं आती है बोलने में, और मुश्किल से मुझे पार्किंग वहाँ पे पीछे की तरफ मिल गई। तो अभी यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है हॉस्पिटल, तो वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा। ओके ये है हॉस्पिटल, द भवान शेंजन भवान पीपल्स हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के अंदर मास्क पहनना पड़ता है, सब लोग मास्क पहने हुए हैं यहाँ पे। विदाउट मास्क दे नॉट अलाउ यू टू गो इनसाइड। हाँ, लंबा क्यू है यहाँ पे, और पूरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, हेल्थ कोड, QR कोड, बहुत सारे कोड को चेक करके ही हमको अंदर अलाउ करेंगे। चलो मैं भी करता हूँ इसको। बहुत ही रश है, बहुत भीड़ है हॉस्पिटल, देखिए कितना भीड़ है, लंबा क्यू है यहाँ पे। आज फॉरेनर्स के लिए भी यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है COVID-19 वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर फॉरेनर्स हांगकॉन्ग मकाओ एंड ताइवान। और फिर यहाँ पे दोबारा रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, और बहुत लंबा क्यू है भाई, मैं ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो गया क्यू में खड़ा हूँ। फॉरेनर्स भी है और एक अपना एक इंडियन भाई लोग भी है, एक ही बंदा है वहाँ पे, वो उतना फ्रेंडली नहीं है। पे फिर से दोबारा हम जो हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है यहाँ पे दिखा कर हमको थ्रू वीचैट पेमेंट करनी पड़ेगी, जैसे ये लोग कर रहे हैं। होने के बाद मेरे पीछे देखिए कितना लंबा सा क्यू है, बहुत लंबा क्यू है, ये दूसरा क्यू है। मेरी बारी है वैक्सीनेशन, और यहाँ पे है यहाँ अभी लगवा रहा है वैक्सीनेशन हो रहा है अभी इस यहाँ पे, तो लोकल और फॉरेनर्स दोनों के साथ साथ हो रहा है, खाली रजिस्ट्रेशन के लिए अलग क्यों था फॉरेनर्स और लोकल्स के लिए। मेरा बारी हो रहा है अभी, चेक कर रहे मेरा नाम और डॉक्यूमेंट पे। Yes, this is my name. Okay, the left hand.
ऑब्जर्वेशन रूम में हूँ अभी, आधा घंटा बैठना पड़ेगा यहाँ पे। वैक्सीन लगा के आ गया, मैंने अभी वैक्सीन लगा के आ गया, अभी बाहर आ रहा हूँ। कोई पेनफुल या कुछ नहीं हो रहा है, कोई मतलब डिजीनेस वगैरह नहीं आ रहा है, तो लोग आधा घंटे के लिए वेट करने के लिए बोल रहा है, तो इसीलिए मैं आधा घंटे इसी हॉस्पिटल में मैं घूम रहा हूँ। अभी भी पीछे मेरे पीछे लोग जो बैठे अभी क्यू में है, लोग देख सकते हैं। अभी कुछ लंच टाइम है, अभी ऑलमोस्ट द टाइम इज 12:40, तो थोड़ा 10 मिनट ऐसी घूमता हूँ यहाँ वहाँ घूम कर, फिर मैं वापस चला जाता हूँ। ओके दोस्तों, अभी मेरा वैक्सीनेशन खत्म हो गया, वो पहला वाला जैब खत्म हो गया। सो द नेक्स्ट जैब वो बोल रहे हैं आफ्टर लाइक 7 to 8 weeks के बाद फिर मुझे यहीं पर आना पड़ेगा और सेम वैक्सीन ही मुझे लेना पड़ेगा, तो दूसरा वैक्सीन वो नहीं लगाएंगे। सो मुझे लगा साइनोवैक, पहला वाला जैब लिया मैंने। पहले मैंने सोचा था बहुत दर्द होगा, मुझे पता ही नहीं चला, जब उन्होंने प्रिक किया मुझे पता ही नहीं चला। तो ओके फाइन, और तो जत्सो मेरा वैक्सीनेशन खत्म हो गया। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, लेट मी नो, आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। अंटिल देन, स्टे सेफ, वेयर द मास्क, बाय।